हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्राइडर के बारे में। तो सबसे पहली बात तो स्ट्राइडर हमें समझना होगा है क्या ये, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में इसमें बात करते हैं कि इट इज़ अ हाई पिच ब्रिथ साउंड। ये एक हाई पिच की ब्रिथ साउंड है बेसिकली, रिजल्टिंग फ्रॉम टर्बुलेंट एयर फ्लो टू द लैरिंग्स और लोअर इन द ब्रोंकियल ट्री, राइट। ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल के पहले या लैरिंग्स में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो एक हाई पिच की ब्रिथ साउंड निकलती है ड्यू टू टर्बुलेंट एयर फ्लो, ठीक है ना। तो इसी को स्ट्राइडर कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉइजी रेस्पिरेशन प्रोड्यूस बाई टर्बुलेंट एयर एयरवे थ्रू द नैरोड एयर पैसेजेस, राइट। ये नॉइजी रेस्पिरेशन एक तरीके से होती है जो कि प्रोड्यूस होती है टर्बुलेंट एयरवे थ्रू द नैरोड एयर पैसेजेस, राइट। टर्बुलेंट एयर एयरवे हो गया तो नैरो एयर पैसेजेस हो जाएंगे, तो उसके कारण से ये नॉइजी रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होती है। नॉइजी रेस्पिरेशन ड्यू टू टर्बुलेंट एयरवे थ्रू द नैरोड एयर पैसेजेस, राइट। टर्बुलेंट एयरवे और नैरो एयर पैसेजेस के कारण से। टाइप्स क्या क्या होंगे इसके, तो कैन बी हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन और बोथ। इट कैन बी हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ऑल्सो एक्सपिरेशन ऑल्सो एंड और बोथ, तीनों के केसेस में देखा जा सकता है। तो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स ऑफ द सुप्राग्लॉटिस और फेरिंग्स। ये एक कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स होते हैं सुप्राग्लॉटिस में या फेरिंग्स में, राइट। लैरिंगोमलेशिया और रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस, इनके केसेस में आपको ये मतलब कि इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर दिख जाता है। और ये कैसा इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है, जो कि इंक्रीज करता है सुपाइन पोजीशन में, डिक्रीज करता है प्रोन पोजीशन पे, राइट। एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर क्या होता है, लीजन्स ऑफ थोरैकिक ट्रेकिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है ना। ये एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर होता है जो कि थोड़ा नीचे, राइट, मतलब एकदम उसके एकदम मान लो ग्लॉटिस पे, ठीक है ना। तो मान लो जैसे ये होता है एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर, ये थोरैकिक ट्रेकिया पे होता है बेसिकली, थोड़ा नीचे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी और ट्रैकियल स्टेनोसिस के कारण से, ठीक है ना। तो ये बेसिकली थोरैकिक ट्रेकिया में होता है, राइट, थोरैक्स वाले ट्रेकिया में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई के पास और ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी जो कि लॉज हो गया और ट्रैकियल स्टेनोसिस हो गया, उनके केस में एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिलता है, राइट। तो बाइफेजिक स्ट्राइडर कहाँ देखेंगे, बाइफेजिक के स्ट्राइडर जो होते हैं ग्लॉटिस सब ग्लॉटिस पे देखते हैं एंड सर्वाइकल ट्रैकिया पे देखते हैं, राइट। तो ग्लॉटिस के रीजन पे एंड सब ग्लॉटिस के रीजन पे या सर्वाइकल ट्रैकिया के रीजन पे हम लोग बाईफेजिक स्ट्राइडर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और जो लैरिंजियल पैपिलोमास होंगे, मान लो कि कुछ लैरिंजियल पैपिलोमा हो गए या वोकल कॉर्ड पॉलिप के कारण में से भी यहाँ पे आपको ये बाईफेजिक स्ट्राइडर मिल सकता है, ठीक है ना, या सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस कोई हो जाए। तो बेसिकली बाईफेजिक स्ट्राइडर क्या मतलब है कि आपको दोनों इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर देखने को मिलेगा, इंस्पिरेटरी प्लस एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर। तो कहाँ पे, सब ग्लॉटिस ग्लॉटिस, ठीक है ना, और सर्वाइकल ट्रैकिया, और कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, लैरिंजियल पैपिलोमा, और कहाँ देखने मिलेगा, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे होता है, और यहाँ पे ऐसा कोई भी स्ट्राइडर सुपाइन या प्रोन पोजिशन से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपका लैरिंजियल पैपिलोमा वोकल कॉर्ड पैरालिसिस सबग्लॉटिस स्टेनोसिस पे देखने मिलेगा। और ग्लॉटिस पे बेसिकली अगर कुछ जने कहते हैं ग्लॉटिस पे भी इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर देखने मिलता है, लेकिन दैट्स नॉट वेरी मच, मतलब कुछ ऐसा प्रूवन नहीं है। तो स्ट्राइडर मेजर करना अपने आप में मतलब ठीक है ना, बाईफेजिक स्ट्राइडर को समझना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है केसेस में, बट ठीक है, समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें नहीं हो सकती, राइट। तो बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है बिकॉज, ठीक है ना। तो बाईफेजिक स्ट्राइडर जान लो कि यही होता है, और एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर में थोरैकिक ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी, ट्रैकियल स्टेनोसिस, ठीक है ना, और इसमें लैरिंगोमलेशिया, इलेक्ट्रोफेरिंजियल एब्सेस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इटियोलॉजी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर, ठीक है ना, स्ट्राइडर के कॉजेज। तो नोज में हुआ तो कोर्नल एट्रीजिया के कारण से, कोर्नल एट्रीजिया हो गया, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने कोर्नल एट्रीजिया के कारण से। टंग में मैक्रोग्लॉसिया, अगर ज़्यादा बड़ा टंग हो गया तो दिक्कत करेगा। डर्मोइड एट द बेस ऑफ टंग हो गया, लिंगुअल थायराइड हो गया, ठीक है ना, उनके कारण से भी हो सकता है मैक्रोग्लॉसिया, डर्मोइड। जैसे हम लोग कैसे याद बात करेंगे, एरिया वाइज स्ट्राइडर की बात करेंगे, तो सबसे पहले नोज आया, नोज के बाद नीचे क्या आएगा, टंग आएगा, टंग के बाद क्या आएगा, मैंडिबल आएगा, माइक्रोग्नाइथिया हो सकता है, पियरेज या रॉबिन सर्जरी के केसेस में दिख सकते, माइक्रोग्नाइथिया बेसिकली याद रखना, ठीक है, माइक्रोग्लॉसिया, माइक्रोग्नाइथिया, और डर्मोइड ओनमाइड अगर याद कर सकते हो ठीक है, नहीं याद कर सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिंगुअल थायराइड वगैरह। फेरिंग्स, फेरिंग्स में आएंगे, फेरिंग्स में कहाँ, कंजेनाइटल डर्मोइड हो गया कोई, एडिनो टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी हो गया, ठीक है ना,
और क्या क्या हो सकता है, रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस हो गया, ट्यूमर्स हो गया, जो कि बता चुका हूँ मैं। रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस में कैसा देखते हैं, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। लैरिंग्स में, लैरिंग्स पे आ जाओ, लैरिंग्स में मतलब कॉन्जेनाइटल लैरिंजियल वेब्स हो गए, लैरिंगोमेलिशिया, सिस्ट वगैरह हो गया। इन्फ्लेमेटरी में एपिग्लॉटाइटिस, लैरिंगोट्रेकियाइटिस या टीबी हो गया। नियोप्लास्टिक में हिमेंजियोमा, पैपिलोमा, कार्सिनोमा के कारण से कुछ हो गया। तो लैरिंग्स पे भी कुछ कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कंजेनाइटल, इन्फ्लेमेटरी, नियोप्लास्टिक, ट्रॉमेटिक, न्यूरोजेनिक, मिसलेनियस वगैरह के कॉजेज के कारण से अलग अलग उसमें भी डिफिनेशन आते हैं। नियोप्लास्टिक में कैसे, हिमेंजियोमा, पैपिलोमा, कार्सिनोमा। ट्रॉमेटिक में इंजरी हो गई, फॉरन बॉडी, इंट्यूबेशन, ठीक है ना। न्यूरोजेनिक में लैरिंजियल पैरालिसिस, और मिसलेनियस में टिटनेस और टिटैनी, ये सब कॉजेज हो सकते हैं लैरिंग्स में भी। तो ये सब बेसिकली चीजें कोई समझाने वाली है नहीं, याद करने वाली ज्यादा चीजें हैं, राइट। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, लैरिंग्स के कंजेनाइटल, इन्फ्लेमेटरी, न्यूरोजेनिक, ट्रोमैटिक और क्या, मिसलेनियस, ठीक है ना, और न्योप्लास्टिक, राइट। तो कंजेनाइटल में लैरिंजियल वेब हो गए, लैरिंगो मलेशिया हो जाता है, ट्रोमैटिक में कोई इंजरी होगी, फॉरन बॉडी, इंट्यूबेशन हो गया, और इन्फ्लेमेटरी में तुम्हारा एपिग्लॉटाइटिस हो गया, लैरिंगोट्रेकियाइटिस हो गया, न्यूप्लास्टिक में हिमेंजियोमा और पेपिलोमा, कार्सिनोमा हो गया, और इसमें न्यूरोजेनिक में लैरिंजियल पैरालिसिस, मिसलेनियस में टिटेनस, टिटनी, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं याद होता है तो मतलब याद ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। सिंटमन, ठीक है ना, सिंटमन से याद कर सकते हो, अगर कुछ ऐसे एक रैंडम सा वर्ड बनाओ, सिंटमन से याद कर सकते हो, ठीक है ना, लैरिंग्स के कॉजेस को। ट्रैकिया और ब्रोंकाई में क्या, कंजेनाइटल, इन्फ्लेमेटरी, और यहाँ पे केवल सिंट आएगा, ठीक है ना, यहाँ न्यूरोजेनिक होगा नहीं। कंजेनाइटल में ट्रीजिया हो गया, स्टिनोसिस हो गया, और ट्रैकियो मलेशिया हो गया, ठीक है ना, और इन्फ्लेमेटरी में ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो गया, न्यूप्लास्टिक में ट्यूमर ऑफ ट्रैकिया हो गया, और ट्रोमेटिक में फॉरन बॉडी, इंट्यूबेशन के कारण से कुछ हो सकता है, इंजरी हो गया, फॉरन बॉडी, इंट्यूबेशन, न्यूप्लास्टिक में ट्यूमर हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी में ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब लीजन्स आउटसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक, कौन कौन से लीजन्स हो सकते हैं इसमें भी, ठीक है ना। तो कंजेनाइटल वेस्कुलर रिंग्स आ सकते हैं, इसोफेजियल एट्रीसिया हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी में रेट्रोफेरेंजियल, रेट्रो इसोफेजियल एब्सेस हो सकते हैं, ठीक है, रेट्रोफेरेंजियल या रेट्रो इसोफेजियल एब्सेस हो सकते हैं। ट्रोमेटिक में फॉरन बॉडी, अगेन इसोफेगस में ट्यूमर्स, मासेस इन नेक में कारण से भी हो सकता है, तो आउटसाइड के कारण से भी हो सकता है, वेस्कुलर रिंग्स, रेट्रोफेरेंजियल, रेट्रो इसोफेजियल एब्सेस, ट्रोमेटिक, ट्यूमर्स। स्ट्राइडर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन की बात करेंगे, तो स्ट्राइडर में दो तरीके से डिवाइड करते हैं, कंजेनाइटल या एक्वायर्ड। कंजेनाइटल में ये सब देख लो, ये सब कॉजेज आते हैं, लैरिंगोमेलिशिया, लैरिंजियल वेब, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस, हिमेंजियोमा, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, रटने वाली चीज़ है, टंग, जॉ, अबनॉर्मैलिटीज। एक्वायर्ड में ए फेब्राइल या फेब्राइल, फेब्राइल में ज़्यादातर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आएंगे, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में है एपिग्लॉटाइटिस, लैरिंजाइटिस, डिप्थेरिया, रेट्रोफेरिंजियल एब्सेस, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, ये सब कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है ना, एक्वायर्ड के फेब्राइल में। अब ए फेब्राइल में क्या हो सकता है, जितनी भी और चीज़ें इसके अलावा, जैसे पैपिलोमेटोसिस हो गया, इंजरी हो गया, फॉरन बॉडी हो गया, लैरिंजियल एडिमा हो गया, एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी हो गया, तो सब रटने वाली चीज़ है, कोई इसमें समझाने वाला चीज़ नहीं है। हिस्ट्री में देख लोगे, कैसे हिस्ट्री लोगे, टाइम ऑफ ऑनसेट क्या रहा, इसका मोड ऑफ ऑनसेट क्या रहा, स्ट्राइडर का ड्यूरेशन क्या रहा, रिलेशन टू फीडिंग क्या रहा, साइनोटिक स्पेल्स क्या है, एस्पिरेशन है कि नहीं, और इंजेक्शन ऑफ अ फॉरन बॉडी, लैरिंजियल ट्रॉमा है, ऐसा ट्रॉमा का कोई हिस्ट्री था, टाइम, मोड, ड्यूरेशन, रिलेशन, साइनोटिक स्पेल, तो यही सब देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, टाइम, कितने देर से, कब हुआ, कैसे हुआ, कितने देर पहले हुआ, फीडिंग से क्या दिक्कत है, साइनोटिक स्पेल्स हैं या नहीं है, एस्पिरेशन का कोई इफेक्ट आ रहा है, लैरिंजियल ट्रॉमा कुछ ऐसा, तो ये सब देख लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे कराएंगे, ठीक है ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन कराएंगे, और नोट वेदर स्ट्राइडर इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी और बाइफेजिक, ये देखेंगे हम लोग कौन सा स्ट्राइडर, किस तरह का स्ट्राइडर है। नोट एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्राइडर लाइक स्नोरिंग, स्नॉटिंग साउंड, गर्गलिंग साउंड, मफल्ड वॉइस, हॉट पोटैटो वॉइस एक होता है, हॉर्स क्राई और वॉइस, एक्सपिरेटरी वीज, ये सब देखेंगे कि कैसा ये इसमें कौन सा मतलब दिख रहा है, इसमें कैसा साउंड आ रहा है स्ट्राइडर के साथ। एग्जामिन फॉर फीवर, फीवर एग्जामिन करेंगे ताकि फेब्राइल का पता लगा सकें। एसोसिएशन ऑफ स्ट्राइडर विद पोजीशन ऑफ बेबी, जो भी एसोसिएशन है पोजीशन ऑफ बेबी से कैसा है। सिक्वेंशियल ऑस्कल्टेशन करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ नोज, टंग, जॉ, फेरिंग्स, लैरिंग्स इनडायरेक्ट, लैरिंगोस्कोपी, फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक, लैरिंगोस्कोपी से भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लैरिंगोस्कोपी बेसिकली
इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी चेस्ट, सीटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट, एंजियोग्राफी, ओसोफेगोग्राम विद कॉन्ट्रास्ट, माइक्रोलेनजियोग्राफी, गोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ट्रीट द कॉज, राइट। तो ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं, बस ये है रटने रटने वाली चीज़ें, रटो और हटाओ, ठीक है ना। जैसे समझने वाली, जहाँ समझाने वाली चीज़ें होती समझा देता हूँ, जहाँ रटने वाली चीज़ें होती ठीक है, उसको क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है ना। रटने वाली चीज़ है यार, इसमें कोई समझाने वाला कुछ है ऐसा? देख लो पूरा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन पता है यार, करना है, रट लेना, एग्जामिन करेंगे फीवर के लिए, ऑब्वियसली फेब्राइल कॉजेज के लिए करेंगे, एसोसिएशन ऑफ स्ट्राइडर विद पोजिशन ऑफ बेबी ऑब्वियसली देखना है यार, सीक्वेंशियल ऑस्कल्टेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई समझाने वाली चीज़ था नहीं, ठीक है ना। रटने वाली चीज़ है, रट के हटाओ, ठीक है ना। समझने वाली चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, इसको रटने वाली चीज़ है तो ये ऑब्वियसली आई गेस थोड़ा टाइम लेगा, ऑब्वियसली रटने वाली चीज़ें याद नहीं होती, मेरे को तो पर्सनली नहीं याद होती, लेकिन ये है कि बेसिक सा अपने को आइडिया लग जाता है कि हाँ इसमें ये है ना, तो कॉन्सेप्ट के थ्रू भी जो है रटने वाली चीज़ भी याद हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।